हेलो गाइस, आज के जो आज हम क्या सीखेंगे, आज हम सीखेंगे अगर अपने को क्या लीनियर इक्वेशन दी गई, अगर अपने को क्या दे रखी हो, लीनियर इक्वेशन दे रखी हो, तो इस टाइप के हम कोई भी लीनियर इक्वेशन से हम ग्राफ कैसे बनाएंगे वो चीज़ देखेंगे। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन से हम ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो क्या करेंगे, ये पाँच है, पाँच को इनके नीचे लेके आएंगे, एंड दो बट्टे पाँच प्लस चार बट्टे पाँच बराबर एक, पाँच को नीचे लेंगे और फिर दो का भाग दे दिया, x अपॉन पाँच बटे दो प्लस y अपॉन पाँच बटे चार बराबर एक। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, नॉर्मल जनरल ग्राफ बना लेंगे, ये x इंटरसेक्ट होगा, ये y इंटरसेक्ट होगा, x पाँच बटे दो, यहाँ पे एक है, यहाँ पे दो है, यहाँ पे तीन है, ये x x होती है, ये y x होती है, ये एक है, ये दो है, ये तीन है, ये चार है। ठीक है, पाँच बटे दो यानी 2.5 यहाँ पे होगा कुछ। ठीक है, पाँच बटे चार यानी 1 समथिंग है, वो यहीं पे होगा, इन दोनों को मिला दो, इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा आएगी वही क्या आएगी, इस इक्वेशन की ग्राफ आएगी। इक्वेशन की ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस पाँच का अपॉन भाग दे दिए। ठीक है, इस टाइप से हम ये करेंगे, इस टाइप से हम क्या करेंगे, 3x बटे 15 माइनस 5y बटे 15 बराबर एक, फिर क्या करेंगे, x अपॉन 15 बटे 3 माइनस y अपॉन 15 बटे 5 बराबर एक, यानी इसको सिंपल करना चाहे तो x बटे 5 माइनस y बटे 3 बराबर एक, यानी एक ऐसा ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, x का इंटरसेक्ट है 5, x का इंटरसेक्ट है 5, y का इंटरसेक्ट है 3, तो ये 1 2 3 4 5, x के ये x x है, ये y है, 1 2 3 4। ठीक है, y का कितना है, माइनस का 3, अगर हम यहाँ पे प्लस लाएं तो y आ जाएगा माइनस का 3, तो y माइनस 3 यहाँ पे होता है, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3। ठीक है, y का है माइनस का 3 इंटरसेक्ट, x का इंटरसेक्ट है प्लस के 5, इन दोनों को मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे। ठीक है, सॉरी यहाँ पे आएगा, इन दोनों को मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे तो आ जाएगी इस लीनियर इक्वेशन की ग्राफ। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन की ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो सी दे रखे हैं उसको हम यहाँ पे भाग देंगे, यानी कांस्टेंट फर्क है यहाँ जो दे रखे उसका भाग दे देंगे, फिर वो एक्स इंटरसेक्ट है, वो एक्स इंटरसेक्ट और वाई इंटरसेक्ट यहाँ पे ड्रॉ करते हुए इस ग्राफ को हम कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।